हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है और दिन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये नया व्लॉग है और आज हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग। जो कल का पेंडिंग काम था वो हम आज कर रहे हैं। तो कल हमें शॉपिंग करनी थी लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि किड्स को स्कूल से लिया, बट हाँ वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आज फिर किड्स को पिकअप कर लिया है और वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तुझे खाना है? तो शॉपिंग करेंगे। आज हम जाएंगे लोखंडवाला मार्केट। लोखंडवाला मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है मुंबई में, स्पेशली तो फिल्म की वजह से शूट आउट एट लोखंडवाला। हाँ, बॉलीवुड अड्डा है। यहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं और आपको अगर शॉपिंग करनी है, बॉम्बे आते हैं तो दिस इज़ द प्लेस। सो फिलहाल हम लोग तो जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। और रात का टाइम है, अच्छा है, भीड़ भाड़ मिलेगी एक्चुअली। हम गाड़ी थोड़ी दूर लगाएंगे ना। हाँ, गाड़ी देखनी पड़ेगी, गाड़ी कहाँ लगाएं। मार्केट के अंदर तो नहीं ले जा सकते, लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत हो। थोड़ा सा आगे आगे हम लोग हैं जॉगर्स ट्रैक की तरफ। ये लोखंडवाला बैक लेन कहलाता है। मुझे पूरे बॉम्बे में ढंग की बनावट या सजावट नहीं मिली, वो यही मिली है, बताओ। ये लोखंडवाला में कितना सुंदर बनाया। ये है मेन लोखंडवाला। पहले हम यहाँ पे यूं ही आ जाया करते थे, अब नहीं आते क्योंकि अब हम बहुत दूर रहते हैं। जगह देख पार्किंग की कहाँ लगा सकते। सो गाइस, मार्केट में हम लोग आ गए हैं गाड़ी पार्क करके और अभी देख रहे हैं क्या लेना है। देख यहाँ पर कुछ लग रहा है, है? यहाँ देख, तो फिलहाल देख रहे हैं क्या अपने काम का है क्या नहीं है। सो जस्ट अभी विंडो शॉपिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे मिलता जाएगा लेते जाएंगे। चले चलो भाई अंदर चलो। हाँ, आ जाओ आ जाओ। सो गाइस, शॉपिंग करके हम लोग बाहर आ गए हैं और अभी जा रहे हैं किसी और शॉप पे हैं। और इन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जैनेट और आहान की। ठीक है चलो, आहान आ जाओ जल्दी। सो रश बहुत ज़्यादा है, देखो पूरी सड़कें जो है ट्रैफिक से भरी हुई है। देख यहाँ जगह है पार्किंग की। हाँ, यहाँ लगा सकते थे। सो गाइस, खाना हमारा आ गया है और क्योंकि शॉपिंग करने के बाद सारे थक गए हैं और जैनेट और आहान भी आज जो है टिक्की खा रही है। जैनेट और आहान भी आज गोलगप्पे खा रहे हैं। सो गाइस, यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अच्छा। सो गाइस, खाना खा के हम लोग आ गए हैं बाहर और अभी यहाँ पर कर रहे हैं शॉपिंग। बेटा उठाओ से, हाथ में पकड़ो, शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, सो गाइस, शॉपिंग करके हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ। मार्केट में अब धीरे धीरे थोड़ी चहलकदमी कम होने लग गई है, भीड़ भाड़ कम हो गई है। इस टाइम में तो पार्किंग भी मिल जाती है, जब हम आए थे तो पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, अभी टाइम लगेगा हमें क्योंकि रात का वक्त है और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा। यहाँ तो गाइस हम लोग पैदल आए थे, गाड़ी हम लोगों ने बहुत अंदर लगा। गाइस वापस घर पे आ गए हैं और आज घूम फिर के काफ़ी शॉपिंग की। आज लोखंडवाला गए जैसा कि आपने देखा, खूब मज़ा आया। गाड़ी हम लोगों ने बहुत दूर लगा दी थी, बस खूब चलना फिरना हो गया और जैनेट ने आते ही मुझे पागल बना दिया। ये देखो इसने मुझे ऐसे क्या दिया तूने, दिखा। मैंने उल्लू नहीं बनाया था, दिखा रही थी मैं। तो दिखा रही थी तो मुझे बताना चाहिए ना। इसने मुझे ऐसा नग दे दिया एक क्रिस्टल का और मुझे लगा है मेरे को ना सौंफ दे रही है। इतना बड़ा सौंफ तो होता है क्या? अरे तो मुझे लगा ना कि सौंफ दे रही है, तो मैं गाइस सौंफ समझ के ना उसको मुंह में डाल के खा गया। मतलब इवन चबाया भी नहीं, मेरे को भरोसा था कि कुछ खाने की चीज दे रही है और मुझे पागल बना दिए इसने। अब पेट में चला गया मेरे, अब मैजिक करके निकालना पड़ेगा। और क्या, और क्या होता है? मैजिक करके निकालना पड़ेगा मेरे को। चलो भाई आ गया। देखो यही थे ना। सो देखो ये खिलाया था इसने मेरे को।
चलो ले लो, तुम ले लो। तो गाइस जेरेंड की हंसी देखो कितनी प्यारी। नहीं हम नहीं खाऊंगा भाई, तूने मुझे बड़ा पागल बनाया। मम्मा को भी बोलो। मम्मा को भी बोलो हम। मम्मा को क्या बोलना बेटा, ऐसे ही सही है हम। सो गाइस अभी सोने का वक्त हो गया, तो फिलहाल सो जाते हैं और सुबह सुबह आपको मिलेंगे, यहीं से व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं कल सुबह। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है। जैसा कि कल का व्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कल खूब शॉपिंग की, तो आज वक्त हुआ है उस शॉपिंग को अनबॉक्स करने का। देखें क्या क्या लाए हैं। और आज रूम में सफाई भी हो रही है, ये देखो जैनेट सफाई कर रही है। मैं दिवाली की कर रही हूं। दिवाली की सफाई कर रही हो? हाँ, ये देखो सोना। तो ये किसने बताया आपको कि दिवाली पे सफाई की जाती है? ये देखो। अम्मा ने दिया था मुझे। अच्छा, ये तो मोती की माला है ना? वेरी गुड। और ये जेनेट का है ट्रेजर बॉक्स। इस बॉक्स को के अंदर जेनेट अपना सामान रखती है। बॉक्स मैंने दिया था इसको। गोल्ड का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ले लो ले लो। तो बच्चा ऐसे रखता है हमारा। बता। और ये देखो कुछ जल्दी ओपनिंग करते हैं। अच्छा चलो बेटा आ जाओ, अनबॉक्सिंग करेंगे, आ जाओ। सो गाइस बच्चों को छोड़ के आ गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, है ना? मॉल में शॉपिंग करेंगे क्योंकि हम लोग तो जाएंगे तो उसके हमने हमारी कोई शॉपिंग नहीं हुई। देखो घर वालों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं अब हम। लोग कहेंगे बड़ा शॉपिंग करती है, तो मैं अपने लिए कछु नहीं करूंगी, घर वालों के लिए दिया बत्ती, फिर जो खाना घर में काम करते हैं उनके लिए, ठीक है ना? तो फटाफट मॉल पहुंच जाते हैं पहले। सो गाइस पार्किंग में हम लोग पहुंच गए हैं और यहीं कहीं देखते हैं आसपास में मिल जाए ताकि ज्यादा दूर ना जाना पड़े। लिफ्ट के पास ही पार्किंग ढूंढते हैं थोड़ी सी, तो आगे से लगाएंगे, सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी होगी इधर। सो गाइस मॉल में हम लोग आ गए हैं, अभी शॉपिंग हमारी चालू है। जो जो सामान लेना है वो सब ले लेते हैं। सो गाइस शॉपिंग हमारी हो गई है और अभी हम बिलिंग काउंटर पे खड़े हैं, बिलिंग करा लेते हैं। सो गाइस शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं, गाड़ी में आके बैठ गए हैं और सामान देखो पीछे अपना सब सेट हो गया है, पीछे आ गया। और बच्चे आएंगे तो इधर ही बैठ जाएंगे बीच में, तो जगह की कोई कमी नहीं है, इतना सारा सामान आने के बाद भी खाली पड़ी हुई है, आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो अभी हम लोग घर नहीं जाएंगे क्योंकि घर गए तो एक घंटे मतलब 45 मिनट एक घंटे में तो घर पहुँचेंगे, तब भी वापस जाने का टाइम हो जाएगा। तो यहीं से सीधा हम लोग स्कूल ही जाएंगे इनको पिकअप करने के लिए। फिलहाल मीनवाइल हम लोग यहीं पर गाड़ी में बैठेंगे एसी चला के आराम से और अपनी एडिटिंग करेंगे, क्योंकि एडिटिंग भी तो करनी है, तो घर जाके क्या करना है, तो जो काम यहीं बैठे बैठे हो सकता है उसको यहीं निपटाते हैं। क्यों प्लेसिंग द ऑर्डर, मतलब मैं कहाँ पे इस टाइम पे कहाँ बैठे हम? बेसमेंट में। हाँ। बेसमेंट की पार्किंग में बैठे और मैं प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर दी पानी चाय कॉफी कुछ यही बैठे बैठे। अच्छा ये एडिटिंग करूंगी तब तक आ जाएगा। हाँ, खाने पीने का इंतजाम फुल होना चाहिए। कुछ हुआ है ना? दादा बोलो मत, चलो हम करो। सो गाइस पहले एडिटिंग कर लेते हैं ताकि टाइम पे शाम को व्लॉग आ जाए, नहीं तो फिर डिले हो जाता है। कोई भी चीज चाहिए तो उससे पहले उसको उतारना पड़ता है, खोलना पड़ता है, उसकी ओपनिंग करनी पड़ती है। ये तो बर्गर है। बहुत टेस्टी है। चल जल्दी खोल फिर ये हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी, ऐसा ठंडा हो जाए फिर मजा ना आए, गरम गरम चीज में मजा आता है। शुक्र ठंडी चीज से दूर हो गए हैं वैसे। हां क्या बात है, कॉफी भी डब्बे के अंदर। सो सेम पैकेजिंग ये डब्बा अच्छा यार, देख हरिद्वार में खोली थी है ना? हां नहीं अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर बॉक्स भाई, डब्बा रख ले। बेचारों की कितनी पैकेजिंग में कितना पैसा वेस्ट होता है ना। बस चल रिसाइकिल तो हो जाता है। सी गाइस रख दे वहां, मत रख तोड़ देंगे वो। नहीं रख दे रो भाई, एक एक डब्बा दोनों दे देंगे।
क्या खोलना था मुझे खाने का। पहला बंदा जो कुछ कह नहीं सकता गाड़ी में कचरा डालने के लिए, क्या करे, कुछ कर नहीं सकते। वाला हबीबी हबीबी और बाप रे बर्गर है, बर्गर का बाप है। एक्चुअली वूपर है, वूपर बड़े ही होते हैं, तो आधा अभिनव खाएगा आधा मैं। जब अंदर से दिखाती हूँ कितना टेस्टी लग रहा है, तो आधा खा देना, तो मैं तो भी एडिटिंग का थोड़ा पार्ट मेरा पेंडिंग है। और ये है टाकोस, वाओ हमें अनियन निकालना पड़ेगा, बाकी तो हम खा ही लेंगे। साथ में है एक मैकपफ पफ है, जैसे मैकपफ में खाते हैं ना, मतलब मैकडोनल्ड में खाते हैं, वैसे इन्होंने भी लॉन्च कर दिया है पिज्जा पफ। लेकिन इसकी रेटिंग मुझे बहुत खराब मिली, पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने एक ही ऑर्डर किया। सो गाइस इसको ऐसे ही पीना पड़ेगा, और देखो पूरा डैशबोर्ड हमारा भर गया है सामान। छोड़ दे छोड़ दे, ये कौन सा स्टाइल है, खिला मैं देती हूँ। ये खिलाने का हक सिर्फ मेरे पास है। ये कॉफी रखी है मेज पे, और मेज के समय तो उठा के पी रहे हैं। देखो मजा आ गया भाई, टेस्टी कॉफी। मेरे पास है ना मेरी, सही बनाई है एकदम, है ना। बिना उसमें चीनी है, पर मुझे चीनी नहीं डालती, उड़ा दोगे? नहीं ठीक है ऐसे ही, क्यों नहीं नहीं क्यों शुगर पिए, क्योंकि कल से हमारा शुगर चालू हो जाएगा। लो बहुत हम शुगर कल पीने वाले हैं, कल से मतलब बाहर का खाना पीना शुरू हो जाएगा। वो तो आज से ही है, बाहर जाते हैं तुम ज्यादा परहेज नहीं रखते। अरे काई फर्क नहीं है, फिर घर पे आके मोटे। हाँ घर पे आके तो फिर वैसे ही चलना भी होता है ना वहाँ पर।